खबर धमतरी से। अंशकालीन सफाई कर्मचारी को काम से निकालने जाने पर जनदर्शन में की शिकायत जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के आशीष रात्रे ने संतोष कंवर गंगाबाई कुंभकार को अंशकालीन सफाई कर्मचारी से स्कूल प्रशासन द्वारा निकाल दिए जाने को लेकर जनदर्शन में पीड़ितों के साथ पहुंचे। बहुजन समाज पार्टी के आशीष रात्रे ने बताया कि 10 वर्षों से काम कर रहे दोनों लोग काम से निकाला जाना स्कूल प्रशासन के भेदभावपूर्ण रवैये को दर्शाता है, जबकि इन लोगों को 2 घंटे काम करना होता है। इन लोगों की वेतन 2300 अभी हाल में है, जो इन लोगों की परिवार की भरण पोषण करने में पर्याप्त नहीं है। और संतोष कंवर जो कि वो एक विकलांग है और भूमिहीन है, दूसरा गंगाबाई कुंभकार भी गरीब भूमिहीन है। अतः बहुजन समाज पार्टी जिला धमतरी जिला कलेक्टर और शिक्षा अधिकारी से ये मांग की है कि 10 दिवस के भीतर इन पीड़ितों को न्याय नहीं मिला तो पूरे सफाई कर्मचारी साथियों के साथ बसपा जिला शिक्षा अधिकारी वो कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी है। काम कर रही थी सर। जी जी। मुझे बिना मतलब से निकाला गया, बिना अनुमति के कारण को सर। तो कुछ मैं दस्तखत नहीं की। जी जी। और उसके बाद मेरे पास नोटिस भी नहीं आया सर। उसके बाद मैं जनदर्शन में आके आवेदन लगाया, वहाँ से भी मेरे को मतलब देह से मतलब ना वहाँ से मतलब वीडियो टीवी सब में भेजा गया, अभी भी मेरे को संतुष्टि से नहीं मिला सर। तो निकाला गया सर प्रधान पटक जी पर मेरे को गंदा शब्द भी बोला। मैं काम करने गई थी रोपा लगाने, वहाँ 4 महिला आदमी भी थे। तो क्या बोली कि सफाई कर्म 16 मतलब 26-10 दिसंबर को जब से 26 दिसंबर हुआ था तब से मेरे को प्रेरित कर रहा था। जी जी। तो मैं बोली नहीं सर, स्कूल खुलने के पहले मैं साफ करूँगी। जी। तो मेरे को प्रेरित करते करते इतना दिन तक हो गया। उसके बाद वो लोग पालक को संगठन करके मैं पालक समिति क्यों नहीं गई कि मेरे की तबीयत खराब था, उसके वजह से मेरे पति जा रहे थे वो साफ करने थे। मैं उसको बोली कि ज़्यादा दवाई छीट दो करके, वो दवाई छीटी सर। और बाद में होगा दूसरा लगा दी बोला बिना पूछे। ये पूरा मामला जी यार गंगे हम जी। इस रात्र जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी धमतरी पीड़ित है हमारे गंगाबाई कुंभकार जो अंशकालीन स्वीपर हैं, और दूसरा पीड़ित व्यक्ति हमारे भाई सूरीदवाड में अंशकालीन स्वीपर में पदस्थ थे संतोष कंवर। गंगाबाई को यही 2 अगस्त को वहां के उन्नयन माध्यमिक शाला तुमा बैगापारा आमदी के प्रधान पाठक द्वारा लापरवाही पूर्वक जानबूझकर जातिवादी मानसिकता के तहत इसको पद से हटा दिया है। और वैसी संतोष कंवर को जो खुद हैंडीकैप है और रोजी मजदूरी करके इन दोनों परिवार भूमिहीन हैं, अपना रोजी रोटी चला रहे हैं और 2 घंटा ड्यूटी करने का नियम है। अभी अभी इन लोग का 2300 हुआ है अंशकालीन स्वीपर लोगों का, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो टीचर लोग 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार तनख्वाह ले रहे हैं, इन लोगों को इतना समझ नहीं है कि 2000-2500 में इन लोग कैसे परिवार पालेंगे। तो 2 घंटे ड्यूटी करके इन लोग अपने रोजी रोटी और परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन इनकी मानसिकता है कि 8 घंटे ड्यूटी करें। तो ये 8 घंटे ड्यूटी करेंगे 2000 में तो इसका भरण पोषण परिवार का कौन करेगा। और कई बार आवेदन देने के बाद ही ये शासन प्रशासन DO और शिक्षा विभाग और प्रधान पाठक लोगों को समझ नहीं आ रहे। तो बहुजन समाज पार्टी दोनों पीड़ित व्यक्ति को आज जनदर्शन में हम लोग साथ में आए हैं। अगर 10 दिवस के भीतर इन लोगों का समस्या का निदान नहीं होता तो हम लोग पूरे सफाई कर्मचारी संघ और बहुजन समाज पार्टी दोनों मिलकर DO कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय। खबर भारतवर्ष के लिए धमतरी छत्तीसगढ़ से नीलाब शुक्ला की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी फैसला जनतंत्र का।